Hello, good morning everyone. Today our topic is tournaments. Tournaments ke andar first point hai apna knockout tournament. Knockout tournament ke andar hum ye samajhna hai hota kya hai knockout tournament aur iski ye kaise tournament ko karwate hain. Sabse pehle humko malum hona chahiye definition of tournament, knockout tournament. In this type of tournament, the team once defeated gets eliminated from the tournament. Only the winning team concentrate in the next round. Opportunities are given to the winning player's team. Okay? इसमें continuity रहती है, जैसे first team एक टीम जीतता है तो दूसरा तो राउंड में मौका मिलता है, सेकंड राउंड जीतता है तो थर्ड राउंड में उसको राउंड टू राउंड उनको आगे से आगे उनको अपना चांस मिलता रहता है और लास्ट में जाकर वो फाइनल में सेमीफाइनल और फाइनल में जाकर वो अपना विनिंग जो होता है वो विनर होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल draw a fixture of 13 team on knockout pairs. Okay, फिर से बता रहा हूँ, draw fixture of 13 team on the knockout pair. अपने पास में 13 teams हैं, उनके tournament हमको matches करवाने हैं. Okay, सबसे पहले अपन को total match निकालना, कितने match होने चाहिए tournament के अंदर, 13 team के कितने matches होंगे. तो total number of the matches n minus 1, formula क्या है, n माइनस वन, एन माइनस जो है n का मतलब होता है नंबर ऑफ द टीम्स. तो n n कितना अपना यहाँ पर 13, तो 13 माइनस वन तो इक्वल टू 12 टीम मैचेस. तो 12 मैचेस होंगे 13 टीम के. और नंबर, नेक्स्ट नंबर ऑफ द राउंड, कितने राउंड होंगे मैचेस के अंदर, कितने राउंड होंगे वो अपन निकाल रहे हैं. इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ द राउंड इक्वल टू नेक्स्ट पावर ऑफ द टू इक्वल टू 16. ओके, सपोज कर लो जैसे टू का पावर 4, 6, 8, 16, 32 एक्सेट्रा. ओके, सपोज जैसे यहाँ पर 2 का पावर आ रहा है 16, क्योंकि यहाँ पर टीम कितनी है 13 के लिए हमको कम से कम इसका जो इक्वल, इसके जो बराबर है वो कितना होगा 16. तो 2 का पावर 16 यहाँ पर आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 का पावर 4, ठीक ना. तो 4 राउंड होंगे, कितने राउंड होंगे इसमें, 4 राउंड होंगे. ओके, 4 राउंड होंगे इसके अंदर. आगे अपना आपको पूरा एकदम सही बता दूंगा. टोटल नंबर 22. अब कितनी 22 किसको, कौन से मैचेस को किसको टीम को मिलेगा, क्या इसके रूल्स हैं वो अपन पता लगाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ 22 का जो है फॉर्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ द ऑफ टू माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम. तो नेक्स्ट पावर ऑफ टू इन टोटल नंबर ऑफ द टीम, तो 16 माइनस 13 जो है पावर ऑफ टू का है 16, और 13 के हमारे पास में टीम्स, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू 3 3 वाइज. कितनी वाइज होगी, 3 वाइज. अब 3 वाइज किस, कौन सी टीम को देना है, क्या देना है, कैसे देना है वो अपन इनको बताएंगे. 13 टीम को मैचेस कराने के लिए हमको इनको अपर और लोअर में इनको डिवाइड करना होगा टीम को. तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीम इज अपर हाफ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द टीम प्लस 1/2. तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, अपर के लिए कि अपर में अपर हाफ और लोअर हाफ में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो इसमें लगेगा प्लस, और नीचे वाले फॉर्मूला में लगेगा माइनस. अब देखते हैं अपन कितना आता है, 13 + 1 = 14/2, तो कितना आ गया इक्वल टू 17. तो अब ऊपर जो हो गया, अपर में जो हो गया वो कितना हो गया, 7 टीम्स प्ले करेगी. अब करते हैं नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, लोअर हाफ में क्या होगा, इसमें माइनस आ जाएगा ओनली.
total number of the team minus 1 upon 2, 13 minus 1 upon 2 equal to 16. So upper mo gaya 7 or lower mo gaya 16. Okay. अब आता है टीम डिवाइड हो गया अपना. अब आता है 22. कौन सी अपर में कितना 22 आएगा और नीचे में लोअर में कितना 22 आएगा. तो ये फॉर्मूला अपन को लगाने के लिए फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ. अपर हाफ के लिए टोटल नंबर ऑफ 22 माइनस 1 अपॉन 2. तो टोटल नंबर ऑफ 22 कितना होगा 3. टोटल नंबर 22 कितना है अपने पास में 3 बाइस है ना. तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. कितना आया इक्वल टू 1. अपर में 1 बाई मिलेगा. अपर में कितना बाई मिलेगा ओनली 1 बाई. नंबर ऑफ बाइस इन लोअर हाफ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बाइस प्लस 2 इक्वल अपॉन 2. तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2. लोअर में कितना 22 मिलेगा 2. ओके अपर में 1 लोअर में 2. टोटल 22 कितनी थी अपने पास में 3. ओके अंडरस्टूड. नेक्स्ट अब आता है फिक्सर. तो फिक्सर कैसे निकालेंगे अपन. ओके तो टोटल नंबर टीम कितनी है अपने पास में 13. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 काउंटिंग कर लेंगे. उसके बाद में राउंड कितने अपने पास में. राउंड जो है वो है 4 राउंड आएंगे. ओके 22 हमेशा अपर लोअर में दी जाती है. तो अपर लोअर में अपर में बात करते हैं तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट नंबर को अपन ने 22 दे दिया यहाँ पर. ओके कितनी टीम्स है अपर में 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इनको इक्वल करने के लिए भी इनको 22 थी जैसे इसमें 7 है तो अपन को ऑड और डिसऑड में ये देना पड़ेगा. तो ऑड करने के लिए इसको 1 बाई ऊपर हो गया और लोअर में बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. लोअर में कितना टीम है 16. तो इसमें कितनी 22 आएगी अपने पास में 2 बाईस. तो एक तो लास्ट में दे दिया अपने 13 को एक दे दिया अपन ने 8 को. तो ये दोनों 22 इधर आ गए. अब मैच होता है जैसे मैच की बात करते हैं तो ये फर्स्ट राउंड में 22 वाला प्लेयर नहीं खेलेगा वो सीधा एलिमेंट हो गया सेकेंड राउंड के अंदर. नंबर मैच किसका हो रहा है नंबर 2 का और 3 का. नंबर 2-3 में जो फाइट करके विनर होगा वो जाएगा सेकेंड राउंड के अंदर. सपोज कर लो यहाँ नंबर 3 जो है वो विनर हो गया तो उसका नंबर यहाँ पर अपन ने 3 नंबर यहाँ पर डाल दिया. 4-5 का मैच हुआ इसमें से जो विनर हुआ वो इसमें आ गया. सपोज कर लो इसमें 5 नंबर जो है विनर हो गया 5 नंबर इसमें विनर हो गया. फिर आता है नेक्स्ट 6 और 7. 6-7 में जो विनर होगा वो इधर आ जाएगा. सपोज कर लो 7 नंबर आ गया यहाँ पर विनर ये 7 नंबर आ गया यहाँ पर. ओके यहाँ तक सेकंड राउंड में आ गई है 3, 5 और 7. नेक्स्ट अपन लोअर में चलते हैं तो लोअर के अंदर फर्स्ट 8 नंबर को बाई है ये इसका मैच नहीं होगा ये सीधा सेकंड राउंड में आ गया यहाँ पर 8 नंबर. अब 9 और 10 का मैच होगा जिसमें से जो विनर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. सपोज कर लो 9 नंबर है वो यहाँ पर विनर होकर यहाँ पर आ जाएगा. सेम टू सेम 11 और 12 का जो मैचेस होगा इसमें जो विनर होगा वो यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए फाइट करने के लिए आ जाएगा. सपोज कर लो 11 नंबर आ गया. ओके सेकंड राउंड के लिए कोई 30 नंबर बाई है वो ऑलरेडी सेकंड के फाइट के लिए वो यहाँ पर पहले से यहाँ पर आ गया सेकंड राउंड में. सेकंड राउंड तक आपको समझ आ गया होगा. बात करते हैं थर्ड की. तो यहाँ पर जो बाई मिली है और जो विनर हुआ है थर्ड नंबर इन दोनों की फाइट होगी वो यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए. ओके इसमें जो फाइट होगी 5 नंबर 7 नंबर से जो फाइट होगी जो विनर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. सपोज कर लो इसमें से जो जीतेगा वो 5 नंबर जीत गया विनर हो गया तो 5 नंबर यहाँ पर ये यहाँ आ गया. तो यहाँ से अपन सपोज कर लो नंबर 1 है वो नंबर 1 आ गया
थर्ड के लिए, इसमें से जो विनर हुआ वो सपोज कर लो इसमें से जो विनर हुआ वो हो गया अपने नाइन नंबर। अब वो क्या होगा यहाँ पर थर्ड के बाद में क्या होगा, फाइव और नाइन का मैच होगा यहाँ पर दोनों का, वो यहाँ पर आ जाएगा जो विनर होगा। वो सपोज कर लो ये फाइव नंबर आ गया, ये फोर्थ राउंड में फाइव नंबर आ गया, ये विनर हो गया, फाइव नंबर जो है वो विनर हो गया, क्योंकि फाइव और नाइन का मैच होगा यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर जो जीतेगा वो यहाँ पर विनर आ जाएगा। ये है नॉकआउट बैस टूर्नामेंट। ओके अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज इतना ही, कल अपन नेक्स्ट जो है सेकेंड वाला जो है लीग एंड राउंड रोबिन टूर्नामेंट वो अपन कल करेंगे। ओके।